हेलो गाइस, वेलकम टू नॉर्मल कुकिंग में आपका स्वागत है। तो मैं फिर से लेकर आई हूँ आज नई डिश। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी बिरयानी, अंडा बिरयानी। तो अंडा बिरयानी बनाने के लिए देखिए, मैं आधा केजी चावल रखी हूँ 500। तो चावल को क्या करती हूँ, भिगो के रख देती हूँ। तो इसमें मैं पानी डाल के इसको भिगो के और 10 मिनट के लिए रख देती हूँ कि मेरा चावल भीग जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से वॉश करके और भिगो के रख देती हूँ। और तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं कुकर बैठा रखी हूँ और कुकर में डाल रही हूँ खाने वाला ऑयल। तो यहाँ पर ऑयल डाल दी हूँ। तो ऑयल को अच्छे से पहले मैं गरम कर लेती हूँ, तो मेरा ऑयल अच्छे से गरम हो जाए। तो ये मेरा गरम हो चुका है ऑयल। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर प्याज ले रखी हूँ, 2 बड़े बड़े प्याज। तो मैं प्याज को इसमें ब्राउन करूँगी। तो यहाँ प्याज डाल दी हूँ और इसको हाई गैस पर ही मैं ब्राउन कर लेती हूँ। इसको जलाना नहीं, ब्राउन करना है। तो मैं इसको हाई गैस पर ब्राउन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरा प्याज ब्राउन हो गया है। तो मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा ठंडा हुआ और ब्राउन हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, प्याज को तेल से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं सारी प्याज को तेल से निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तेल में मैं अंडे को फ्राई करूँगी। तो यहाँ देखिए मैं अंडे को पहले क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा छेदा कर रही हूँ कि जो मेरा मसाला है इसमें डूब जाएगा। तो मैं सारे अंडे को पीस को छेदा कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं आगे से ही अंडा बॉईल करके रख ली थी, तो आप भी आगे से ही अंडा बॉईल करके रख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं सारे अंडे में ऐसे ही फुटा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरा ऑयल है इसमें। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा डाल देती हूँ इसमें नमक, और थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और सारे मसाले को डाल दी हूँ तीनों चीज़ को। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें अंडे डाल देती हूँ और अंडे को इसमें अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। आपको अंडा हाई गैस पर ही फ्राई करना है, लो फ्लेम पर नहीं करना है। तो मैं हाई गैस पर अंडे को इसलिए मसाना करके फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरा अंडे फ्राई हो गया है। तो मैं क्या कर रही हूँ कि अंडे को निकाल लेती हूँ प्लेट में। तो यहाँ देखिए अंडा अच्छे से फ्राई हो गया है, तो मैं अंडे को निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरा कुकर में बहुत सारा ऑयल है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें डालूंगी, यहाँ गोटे मसाले ले रखी हूँ, खड़े मसाले। तो यहाँ ले रखी हूँ दालचीनी, थोड़ा सा जीरा, गोटा जीरा, 2 लौंग, 2 इलायची और 2 तेज़पत्ता। तो मैं सारे मसालों को इसमें डाल देती हूँ और इसको 1 मिनट अच्छे से पका लेती हूँ सारे मसाले को इसमें। तो हाई गैस पर मैं 1 मिनट अच्छे से पका लेती हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, मैं इसको 1 मिनट पका ली हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ देखिए ले रखी हूँ थोड़ा सा प्याज, 1 बड़ा प्याज और कच्ची मिर्ची, इतना हिसाब से अपने हिसाब से जितना तीखा चाहिए उतना। तो मैं इसमें प्याज और कच्ची मिर्ची को डाल देती हूँ और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। हल्का वैसे नहीं पकाना है, इसको हल्का पकाऊंगी 1 मिनट तक। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मेरा प्याज ब्राउन हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें यहाँ ले रखी हूँ 2 टमाटर मीडियम साइज के ली थी। तो मैं टमाटर डाल देती हूँ और टमाटर डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, इसको दूंगी। और फ्रेंड्स, इसमें डाल रही हूँ मैं स्वाद के अनुसार नमक, क्योंकि नमक इसलिए पहले डाल रही हूँ अपने चावल के हिसाब से, क्योंकि मेरा जो टमाटर है वो गल जाए अच्छे से, इसलिए मैं इसमें नमक डाल दी हूँ और इसको अच्छे से टमाटर को गलने देती हूँ। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स मसाले रेडी करने के लिए बिरयानी के लिए, तब तक टमाटर गल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं बिरयानी मसाला ले रखी हूँ। अब कोई सा भी बिरयानी मसाला ले लीजिएगा, बिरयानी मसाला लेने से हुआ। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर। तो यहाँ देखिए मैं ले रखी हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर। थोड़ा सा दूंगी मैं इसमें कलर के लिए हल्दी पाउडर। यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा ले रखी हूँ हल्दी पाउडर और अपने हिसाब से तीखापन के हिसाब से दे रही हूँ इसमें लाल मिर्ची पाउडर। तो यहाँ देखिए लाल मिर्ची पाउडर दी हूँ और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। और फ्रेंड्स, यहाँ ले रखी हूँ थोड़ा सा गरम मसाला। मैं सारे मसाले को इसमें ले ली हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारे मसाले को मिक्स कर लेती हूँ और अब चलते हैं इसको मसाले में, ये टमाटर प्याज में डालने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा मसाला है, मैं मसाले को इसमें डाल देती हूँ और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ देखिए और मैं इसको अच्छे से टमाटर को इसमें गला लेती हूँ। ऐसे तो मेरा गल गया है, तो मैं मसाला डाली हूँ तो मसाले को 1-2 मिनट पकाऊंगी इसी में। तो यहाँ देखिए मैं इसको अच्छे से मसाले को इसमें पका लेती हूँ और मेरा टमाटर भी तब तक गल जाएगा।
इसको हाई गैस पर पका लेती हूँ 1 से 2 मिनट। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरा अच्छे से मसाला गल गया है टमाटर। तो अब मेरा ये देखिए चावल भीग के डबल हो गया है, 10 मिनट भिगो के रखी थी, तो मैं चावल को इसमें डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं चावल डाल दी हूँ, तो मैं जिस बाटी से चावल नापी थी उसी बाटी से मैं पानी लूंगी। तो यहाँ तो फ्रेंड्स जिस बाटी से जैसे कि मैं चावल नापी थी उसी बाटी से पानी डाल रही हूँ। तो मैं देखिए यहाँ 1.5 बाटी चावल ली थी, तो मैं 1.5 बाटी से थोड़ा सा कम इसमें पानी दूंगी। तो यहाँ देखिए 1.5 बाटी से थोड़ा सा कम पानी दी हूँ। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं ले रखी हूँ देसी घी, तो 1 चम्मच में देसी घी डालूंगी इसमें। इससे क्या होता है कि मेरा जो बिरयानी है बहुत टेस्टी होगा और खुशबू भी बहुत अच्छा आता है। तो मैं देसी घी को डाल दी हूँ इसमें और अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरा ये अंडा है, तो जो अंडा को मैं फ्राई करके रखी थी, तो मैं अंडे को क्या कर रही हूँ कि इसमें डाल देती हूँ। यहाँ देखिए मैं अंडे डाल दी हूँ। अब मैं क्या करूँगी कि अंडे डाल दी हूँ और जो मेरा ये जो प्याज है ब्राउन करके रखी थी उस प्याज को मैं चारों तरफ से छीट छीट के इसमें डाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैं प्याज और डाल दी हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मैं सारी चीज को डाल दी हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि कुकर के ढक्कन बंद कर देती हूँ और बंद करके मैं इसको हाई गैस पर 1 सीटी मंगाऊंगी और फिर मीडियम पर 2 सीटी। तो मैं इसको 3 सीटी पूरा मंगाऊंगी, तो 3 सीटी आने देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए मेरा 3 सीटी आ गया है। तो मैं क्या करी हूँ प्रेशर कुकर का प्रेशर निकलने देती हूँ और इसको 10 मिनट बाद खोलिएगा, क्योंकि बिरयानी जो है अच्छे से बैठ जाएगा और ठंडा होने के बाद अच्छे से निकलता है। तो इसलिए मैं 10 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मेरा बिरयानी बन के रेडी है, अंडा बिरयानी। और जैसे कि फ्रेंड्स मैं बोली थी 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी, तो यहाँ देखिए मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दी हूँ। अभी भी गर्म है, तो बाद में और ठंडा होने से सेटल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो मैं प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ आपको। तो ये लीजिए फ्रेंड्स मेरा अंडा बिरयानी बन के रेडी है और बहुत टेस्टी बना है। और जैसे कि फ्रेंड्स सबको बोलते हैं कि अंडा बिरयानी बनाना बहुत मुश्किल है, तो इतना मुश्किल नहीं है, 15 से 20 मिनट लगता है, बन के रेडी हो जाता है। तो बहुत टेस्टी है। और यहाँ देखिए मैं दही के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो रायता दही या कुछ के साथ खा सकती है। तो यहाँ देखिए और मैं दही के साथ खाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगने से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।